बड़े लोग घर चल जाएगा। बोल रहा था ऐसे ऐसे लोग मॉल में आते हैं सिर्फ एसी का हवा ले। Hey guys, how are you all? Hope all are good. This is Kundan Gupta. Welcome back to another day with another vlog. So guys, अभी मैं हो चुका हूँ ready और पता जा रहा हूँ मैं दिल्ली। दिल्ली में कुछ काम लाइक मेरे को एक लैपटॉप का चार्जर लेना है, ठीक है। चार्जर हो चुका था खराब, इसलिए एक लैपटॉप का चार्जर लेना है। चलते हैं, देखते हैं, अगर मिल गया लैपटॉप का चार्जर तो ले लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन मंगवा लेंगे। तो चलो चलते हैं, मस्त आपको दिखाते हैं आज का दिन। तो अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गाइज तो निकल चुके रूम से, अब यहाँ से करते हैं ओला बाइक। तो यहाँ से जाना पड़ेगा हुडा सिटी सेंटर मेट्रो, फिर वहाँ से हम जाएंगे। तो वहाँ करते हैं फिर चलते हैं। पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन हुडा सिटी सेंटर, और भाई देखो मास्क गॉगल सब लगा रखा है क्योंकि धूप बहुत है यार। टेम्परेचर कितना पता है, 33-34। भाई साहब दिल्ली में तो बहुत गर्मी है। तो पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं मेट्रो लेते हैं, यहाँ से जाना है हौस खास। चलो गाइस तो मेट्रो में बैठ चुके हैं भाई, जब भी पहुँच चुके हैं हॉस्कॉस, और यहाँ से हम जाना है पिंक लाइन पे। देखो फुट स्टेप बना दिया जाता है पिंक लाइन का, पिंक कलर का, जो समझ में आ सके इससे। तो इसके थ्रू हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। यहाँ पे देखो कैसीफाई का स्टोर, यहाँ से आप फ़ोन वोन एक्सचेंज कर सकते हो। चलो चलते हैं गाइस, देख सकते हो अंडरग्राउंड है ये। गाइस देख सकते हो कितना दूर जाना है हमें, भाई साहब कितनी बड़ी टनल टाइप की है ये। वो इधर इस लाइन पे तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बताओ यार कितनी दूर जानी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 किधर है? उधर देखो जितना देखना, पूरा परेशान हो चुका हूँ भाई। चलते गाइस, तो अभी पहुँच चुके हैं नोएडा सेक्टर 18। अभी राजन आ रहा है तो बस वेट कर रहा है उसका, हमेशा लेट रहता है हर बार की तरह। चलो गाइस तो आ चुके हैं, और ये देखो मेरा अपना लड़का आ चुका है। तो अभी हम आए हैं मॉल में यार, बाहर बहुत गर्मी लग रही थी यार, अब अंदर रिलैक्स हो रहा है। क्या बोल रहा था? ऐसे ऐसे लोग मॉल में आते हैं सिर्फ एसी का हवा ले रहे। ओ बेइज्जती। ओ ठीक है, अभी सैलरी आए हुए हमारे, ठीक है लिमिट में रहो, इसका सैलरी भी नहीं आए। गाइस अभी आ चुके हैं जूडियो, कुछ देखने लेना तो कुछ नहीं है हमें, बस हम लोग चले 12:30 बजे कहीं भी लेना हो या नहीं हो बस चले आते हैं, हम तो बस चिल करने आते हैं। हाँ भाई अब गाइस क्या कर सकते हैं, बट देख सकते हो आज का लुक एकदम मस्त से बन रहा है भाई। बस तो आज राजन हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं पिछले बार की तरह मॉल में, जिससे पिछले बार हम कुछ नहीं लिए थे, इस बार भी कुछ नहीं लेंगे, बट अगर आपकी कृपा हुई तो ले लेंगे। गाइस अंकल हमारा शर्ट देख रहा है, पैंट देख रहा है, बट ले कुछ नहीं रहा है। अंकल देखो क्या प्यूमा का शूज पहन कर आया अंकल, 4,000 रुपये का खरीदा है अंकल। अंकल कितने का लिया है शूज? बड़े लोग घर चल जाएगा। अच्छा ये मेरे को बोल रहा है तेरा घर जाएंगे इसमें, ये अच्छा लग बहुत दुख हुआ गाइस। आप लोग थोड़ा इसको जवाब दे, मेरा घर जाएगा बोल रहा, सब्सक्राइब करो यार फिर इसका घर जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। गाइस आ चुका है बेशर्म की तरह बिना शॉपिंग किए हुए। अच्छा इतना बेशर्म राजन तुम कब से हो गया है राजन? छी यही सब बात बोल बोलते रहता है गाइस, इतना बेशर्म हो गया। देख सकते हो इतने सारे शोरूम है बट हम जा नहीं रहे हैं, बिकॉज इधर ही होगा। क्या है? रेस्ट रूम है ब्रो, वॉशरूम नहीं है। पहुंच चुके हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पे फिर से आ गए हैं हम लोग रेस्टोरेंट एरिया में। भाई हर मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पे वही होता है खाने का है। ये क्या है राजन? राजन चाहिए तुमको ये? गाइस मॉल से आ चुके हैं, वहाँ ज़्यादा कुछ किया नहीं, अब हम जा रहे हैं दूसरे मॉल। वो मॉल तो चलते यार, वैसे देख सकते हो ये नोएडा है, नोएडा सेक्टर 18। कैसा ये देख लो ना, मस्त हाईवे है, और ये अंकल हमारा पानी पी रहा है, और ये रहा सामने मॉल, इस मॉल में जाएंगे हम, इसमें देखते हैं कुछ खाने का। वहाँ पे खाने का सही था बट इतनी रश थी यार, मन नहीं किया, जैसा लग रहा था पता नहीं किस सब्जी मंडी में आ गए वैसा। भाई अब वहाँ से आ चुके हैं DRF मॉल, भी अब मॉल नहीं गए, और मैं आपको दिखाता हूँ सामने कौन सी कार लगी है, द ग्रैंड न्यू BMW। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ इसको, टिक 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 टिक, द ग्रैंड न्यू BMW। ये
गाइस देख सकते हो मॉल के अंदर, वाह ऊपर से कितना मस्त लगाया गया है वो। ये मॉल तो बहुत बेटर है यार, उससे सही है यहाँ पे। गाइस फिर से आ चुके हैं डीएलएफ मॉल के कैफेटेरिया में, और देख सकते हो रश कितनी है, वाह मतलब वहाँ पे जितनी थी ना उससे ज़्यादा है। संडे है यार इसलिए देख सकते हो, बट यहाँ का इंटीरियर देखो सही है। और हम चलते हैं उधर, ये रहा डोमिनोज, देखते हैं अब क्या खाना, बट भीड़ बहुत है यार, अजीब सा लग रहा है। गाइस तो भी बैठ चुके हैं इतनी रस में, भाई साहब इतनी रस हो रही है दोस्तों, तो पीछे आवाज़ कितनी हो रही है, और इतने भीड़ में तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता बैठने, फिर भी बैठना पड़ रहा, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, संडे है यार यार। और एक हो गया हमारे साथ प्रैंक, प्रैंक नहीं हुआ बट यार पिज्ज़ा खाने बैठे थे और हमारे पास कैश नहीं है, कार्ड नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट है बस, तो वो नहीं रहा, कुछ जुगाड़ लगाया जा रहा है फोन से। गाइस तो फाइनली पिज्जा आ चुका है, बहुत समय वेट करना पड़ा, कम से कम आधा घंटा। देखो हम ऑनलाइन ऑर्डर किए थे यहाँ बैठकर, लेट्स खाते हैं। पिज्जा आ चुके हैं, मस्त मजे आ गए, अच्छे थे वैसे पिज्जा। तो अभी हम लोग आ गए फिर से ग्राउंड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर का माहौल ऐसा है भाई, जब जा रहे हैं यहाँ से, भाई साहब बैठ गया था बहुत देर यहाँ पे, कम से कम एक घंटे बैठ गया, मुंबई का मैच था ना तो देख रहा था। चलो फिर उसके बाद अब चलते हैं गुड़गांव। तो अभी हम थे नोएडा सेक्टर 18 डीएलएफ मॉल के पास, तो अब यहाँ से निकलेंगे, अब देखते हैं कैसे कैसे जाना है। गाइस तो आ चुके हैं यहाँ पे पियेंगे सिकंजी, उससे पहले भाई मैं गया था लैपटॉप का चार्जर लेने, आपको बताया था ना, तो लैपटॉप का चार्जर ले लिया, फिर अभी पियेंगे सिकंजी। गाइस तो वापस जाने के लिए आ चुके हैं मेट्रो, आज हम जा रहे हैं, बाय करते हैं एक बार, बाय। यस तो हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये 2, मेट्रो आ चुकी है, अब बैठते हैं भाई, सीट खाली है यार, सही है। गाइस तो रूम पे पहुंच गए, भाई साहब थक गया मैं आते आते, और मज़ा तो बहुत आया आज दिन में यार, बहुत मज़े किए, घूमा मॉल में, पिज्जा खाया, बहुत कुछ मज़े आ गए आज तो। हाँ तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।